आजकल वैसे हाईटेक ज़माना है, सब लोग के पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन फिर भी ये जो वॉल क्लॉक्स हैं इनका चार्म है। और अच्छी वॉल क्लॉक अगर एक दीवार पे लगी हो तो क्या बात है, लेकिन किस जगह पे ये लगनी चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस जगह पे लगनी चाहिए? ये लगनी चाहिए नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में। आपके कमरे की उत्तर दिशा में अगर आप अपनी वॉल क्लॉक लगाएंगे, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है जो कि किसके देवता हैं? धन के देवता। तो आपके घर में धन और प्रॉस्पेरिटी, यस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि यानी डेफिनेटली है। ओके, अगर यहाँ आपके पास कंजस्टेड है तो आप दूसरी दिशा कौन सी यूज़ कर सकते हैं? पूर्व दिशा। जी पूर्व मतलब ईस्ट में। ईस्ट में भी आप अपनी वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। यहाँ के कौन देवता है? यहाँ के होते हैं सूर्य देव। तो सूर्य देव होने की वजह से आपके घर में समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आने वाली है। ओके, थर्ड और लास्ट डायरेक्शन जिसमें आप अपनी वॉल क्लॉक लगा सकते हैं वो है वेस्ट साइड। पश्चिम के देवता होते हैं वरुण। वरुण देव होते हैं बारिश के देवता। तो आपके घर में स्टेबिलिटी स्थिरता आ सकती है अगर आप अपने घरों में किस दिशा में, पश्चिम दिशा में लगाएंगे अपनी वॉल क्लॉक को। ओके, अ बिग नो टू द साउथ मतलब दक्षिण दिशा में अपनी घड़ी कभी मत लगाइए। वहाँ के देवता होते हैं यम, मृत्यु के देवता। तो वहाँ अपनी घड़ी आप कभी नहीं लगाइए और ना लगाएं अपने घर के बाहर। ओके, घर के बाहर आपकी घड़ी नहीं होनी चाहिए और ना होनी चाहिए कहाँ? साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में। बाकी तीन दिशाओं में आप डेफिनेटली अपनी घड़ी लगा सकते हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो अगर आपको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली मेरे एक वीडियो था डायरेक्शन से रिलेटेड, वास्तु डायरेक्शन आप कैसे पता की जाए वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने शॉर्ट में दे दूँगी। ओके।